एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज जा रहे हैं गांव और वहां आज इस बार हम होली मनाएंगे। सो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखिए हम लोग कैसे जाते हैं गांव, किस किस तरह से। ये देखिए मैंने यहां अपने पौधों को अंदर रख दिया है क्योंकि इतनी तेज़ धूप है ना इधर पर। ये पौधा तो धूप में भी रह सकता है। और ये मेरी पलकू है, यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराएगी। कहाँ जा रहे पलक? अपने घर। ये देखो ये झोला वोला रखी अंजलि, झोला विमल, ये हर्षित आ रहा है लेने हम लोग को। आग लगा हुआ है। तो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं और हम लोग सब रेडी हो गए। हम लोग झोला वाला विमल फैन है ना। अरे जब से जैसे बुआ आ रही हम लोग भी नहीं रखे लॉक लगा रहा है हर्षित। अंजलि गई है भी मस्त दिख रहा। कितना चलना पड़ रहा है यार अपन। वो आ रहे हैं आधे लोग। गाइस वो लोग कहाँ गए? पीछे बैठेगी पक्का। आओ वो हमारी पलक पीछे बैठी। इतना पलक कितनी समझदार है, देखो पीछे बैठी है क्योंकि जगह नहीं है इसलिए। गाइस वो समझदार नहीं, मुझे आदत ही है, मैं पीछे फैल के बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओहो देखो इतना एटीट्यूड भरा है। हाँ, आए बैगन आइए। हर्षित खड़ा है। ये देखिए इसको पकड़ो। ये देखिए मैंने अपने लिए फलूदा मंगाया है और इन लोगों के लिए आई है कुल्फी। पलकू नहीं खाना तुमको? पलक क्यों मुंह बना? बेटू बेटू का मुंह क्यों बना है? मैं पलकू क्या हुआ? फलूदा नहीं दी इसलिए रोने लगी। नहीं खाना है पलकू? ओ मेरी कोरियन। पलक का मुंह क्यों बना है? आपने बोल दी थी ना अच्छे से बात किया करो इसलिए उसे चिढ़ा। और हम यहाँ खाते हैं दही
पूरी और मेरी दही पूरी बनके तैयार होने वाली है। भैया तैयार कर रहे हैं और मैं अभी इसे खाने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा टेस्टी यहाँ का दही पूरी रहता है। अभी ये मुझे देंगे तो आप देखना, देख के ही लगेगा कि यार सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए, पलकू लो खा लो ना, गुस्सा हो जाती हो। आ गए, ये देखिए सब दद्दी खा रहे हैं पपीता। और इधर घर की हालत देखिए क्या हो गया है। ओह माय गॉड, दद्दी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। दद्दी अरे गजब लो। चलिए बैग खाली करिए। किसका है, पकड़ो पकड़ो। दो यार, मेरे फेंक ना देना गुस्से में भाई। ये लो, दीवार टूट गया गाइस। देखिए मेरी नानी क्या, घर का हाल क्या हो गया है। एक गाड़ी वाले ने आके सब तहस नहस कर दिया। फाइनली हम लोग आ गए अब नानी के यहाँ। ये है मेरी नानी का घर, आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में। यहाँ पे कोई नहीं है, सब अंदर होंगे। सब कपड़े उपड़े सूख रहे हैं इधर। हम ना स्लीपर उतारना पड़ेगा ना चप्पल। चप्पल को निकाल के हम सैंडल यहाँ रख देते हैं। देखिए हमारी कुंभकर्ण अभी सो रही है, नानी हमारी यार अच्छे से सो रही हैं। क्या हो गया, इतनी सैड लग रही हो, बुखार है?